दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति देनी है। ऐसे में शारीरिक दूरी का पालन कराना एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ कार्यालयों के समय में बदलाव कर सकती है। दिल्ली सरकार के तहत सीधे तौर पर 42 विभाग काम करते हैं। इसमें 2 लाख के करीब अधिकारी व कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के तहत आते हैं। शिक्षा विभाग के तहत आने वाले स्कूल खुले हैं, मगर शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। बहुत से शिक्षक स्कूलों में बनाए गए भोजन और वितरण केंद्रों पर ड्यूटी दे रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद 100% कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। कार्यालय और कुछ आर्थिक गतिविधियां खोलने के कारण भयंकर जाम लग रहा है। सरकार के इस कदम से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की यूनियन दिल्ली गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज फोरम अध्यक्ष डीएन सिंह कहते हैं कि कुछ कार्यालयों का समय बदल देने से सड़कों से भीड़ कम होगी, इससे शारीरिक दूरी का पालन होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को उनके घर से 10 किलोमीटर के दायरे में ही तैनाती की जाए, इससे कर्मचारी सड़क पर कम देर रह सकेंगे। बता दें, दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार इसके संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठा रही है। तो कुछ इस प्रकार बदल सकता है समय। शिक्षा विभाग 8 से 3 बजे तक, चिकित्सा विभाग 8 से 3 बजे तक, राजस्व विभाग 9 बजे से 4 बजे तक, बिक्री कर विभाग 10 बजे से 6 बजे तक। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।